चारे को ना हमने अपने अलग एक पिंजरे में निकाल ली है, क्योंकि इसको ना तोते मारने लग गए थे। पता नहीं तोतों को क्या हुआ है अचानक ही, वो ना इसको बेचारे को मारने लग गए थे। तो ये पहले ही थोड़ा सा कमी था सबसे। बकरी भी भाग के अंदर बाहर आ गई है, इसने भी क्या बाहर पता लग गया है। चावल हालांकि इनको खाने नहीं देते, बकरियों वगैरह को नहीं ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि बीमार हो जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत होंगे। तो भाई यार, जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ, पहले जाओ यार यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दो। फिर आज का जो है मजे का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा चलो, सुबह सुबह आते साथ ही सबसे पहले जरा तोतों वगैरह को ना देखें, इनका पानी वगैरह चेंज अभी होने वाला है, बल्कि पानी चेंज करते हैं इनका। दाना जो है इनको वैसे ही अंदर खुला डाल दिया, ज़्यादा डाला हुआ है कि दाना दूना खाते रहें। और वो देखें जी, वो भाग के ना डर के वो एक अपने गुज्जे के अंदर जा रहा है और बाकी जो दूसरा है वो बाहर बैठा है। तो पहले इनका ज़रा पानी वगैरह चेंज करें, क्योंकि पानी मस्ट है, पानी लाजमी डेली चेंज करना होता है। सर्दी है ना, सुबह सुबह वैसे भी नॉर्मल पानी ज़रा डाल दो ना तो वो ठीक रह जाता है। ओह, वो खुले ही हुआ है, इसको करते हैं बंद। नहीं जी, तो पानी ज़रा इनका चेंज करते हैं। गंदा सारा बीच में ना दाना गिर गया इनके, तो ये साफ पानी जो है भाई ये इनको डालते हैं अब। तो जी, तोतियों वगैरह को पानी वगैरह चेंज करने के बाद, दाना वगैरह डालने के बाद, आज आपको बताते हैं चलें, जो हमारा ये छोटा सा एक मेहमान आया था, इस बेचारे को ना हमने अपने अलग एक पिंजरे में निकाल ली है, क्योंकि इसको ना तोते मारने लग गए थे। पता नहीं तोतियों को क्या हुआ है अचानक ही, वो ना इसको बेचारे को मारने लग गए थे। तो ये पहले ही थोड़ा सा जख्मी था सबसे, तो हमने कहा इससे पहले के ज़्यादा जख्मी है, मैंने कहा इसको भाई हम किसी अलहदा करते हैं केज में, तो इसको छोटे लकड़ी वाले केज में ना अलहदा निकाल लिया बेचारे को, ताकि ना इसको कोई मसला ना हो। बाकी ये चेक करें जी, माशाल्लाह चूज़े वगैरह जो हैं इस टाइम टोकरे में निकाल दिए हैं, माशाल्लाह सारे ही फिट हैं। और ना ये साइडों में हमने ना टोकरे के अपने लगा दिए ब्रीक जाली, फल वाले से जो मिलती है वो कोई भी ला के ना जाली बंदा लगा सकता है अपने टोकरियों की साइड पे, ताकि चूज़े बाहर ना निकले, क्योंकि इतना इतना बड़ा इसके अंदर ब्लॉक है, तो चूज़ा तो वो हंस के इधर से आराम से भाग के बाहर निकल जाए। और अगर बाहर निकलेंगे तो आगे फिर हमारी मैक्सी होती है, जो मैक्सी जो है वो फिर नुकसान कर सकती है। इस वजह से मैक्सी से बचने के लिए भाई अपने जानवरों के लिए इतना तो करना पड़ता है। मुर्गी जो है भैया मिलाइयाँ ले रही है सुबह सुबह धूप में, फुल इंजॉय करते हुए। और ये लें जी हमारा घर का जो पट्ठा, इसको भी जो है ना धूप में लेके चलते हैं, ये भी भाई धूप से एक ले ज़रा। चल चल, इसका भी टोकरा जो है ना हमने भाई यहाँ पर रखती है ज़रा, कि धूप में रहे, फिट रहेगा। और ये तीन जो हैं ये वैसे भी घूम फिर रहे हैं अकेले ही, खुले ही इनको छोड़ा हुआ कि इनको भी बंद नहीं किया टोकरा, क्योंकि एक उधर बुक हो गया, एक उधर बुक हो गया। और ये वाले पिंजरे के अंदर रात को चूज़े और मुर्गी रहते हैं, क्योंकि इसको जो है ना कमरे में रखना होता है रात को। और ये जो है ये खुले धूप में वैसे ही फेर रहे हैं। माशाल्लाह जी, इसका कलर देखें, नए पर निकाल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा है। इन दोनों ने ना माशाल्लाह कलर्स अपने निकाले हैं, वो वाली जो है वो ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारा उसका कलर है, ब्राउन और ब्लैक और ग्रे। बाकी ये वाली मुर्गी जो है भाई माशाल्लाह, इसने भी हमारी ने घर की जो है अंडे स्टार्ट कर दिए देने, और अब इसके भी अंडे इकट्ठे करेंगे और इसके भी बच्चे निकलवाएंगे इंशाल्लाह, सारी रौनक लगा देनी है। वो मैक्सी बैठी हुई है। हाँ मैक्सी, मैक्सी का दिल होता है बस मुझे खोल दो, जिस टाइम मैं वीडियो बनाने लगूँ उसका होता है कि मुझे जल्दी से बस खोल दें। और वो चेक करें जी कबूतर हमारा, कितना ज़बरदस्त इस टाइम लग रहा है वहाँ पर सामने छत पर फिरता हुआ। बाकी ये जानवर वगैरह देखें। हाँ बकरी, क्या हाल है, ठीक हो भाई? अपनी डेली की जगह पे, जो पिछले व्लॉग में भी आपने देखा है, इसने अपनी ये जगह जो है ना पक्की रखी हुई है, धूप आती जाए, क्योंकि धूप यहाँ से स्टार्ट होती है। अंदर चल के भाई आपको मैं दिखाता हूँ जानवर, अंदर वाले भी आपको सारे ज़रा एक दफ़ा दिखा दें। ये लें जी, सबसे पहले थाई मुर्गा हमारा आ गई थी, और ये जो है ये धूप में मज़ा लेते हुए इस टाइम। अरे कमांडो कमांडो, आज ना थोड़ा सा ढीला ढीला लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ कमांडो, ये ले बॉस जो है, बॉस काटने लग गया, इसका तो आपको पता ही है, फिर ये तो साथ साथ ही है फिर। और वो बकरी चेक करें, ऐसे सुकून कर रही है इस टाइम, धूप आई है निकली है साथ ही, वो अपने सुकून से जो है ना खड़ी हो गई ना, वो दो टांगे उसने अपनी वो ईंटों पर रखी हुई है, आराम से खड़ी हो गई धूप सेक रही है। तू भी सुकून कर ले, तू भी सुकून कर ले, धूप सेक ले। ये देखें काम देखें इसके,
मुझे काट रहे हैं। और बाकी ये देखें बैठे हैं आराम से, ये भी अंदर चलते हैं जरा, अंदर चल के देखें बतख ने अंडा दिया कि नहीं दिया। बल्ले जी माशाल्लाह दो अंडे हो गए आज बतखों के भी। और ये वाली मुर्गी जो है माशाल्लाह बैठी है अंडों पे, अंडे माशाल्लाह इसके सारे A1 पड़े हैं। इनका भी अभी वेट है इंशाल्लाह, ये बच्चे भी निकलेंगे जल्दी जल्दी। और इधर देखें सफ़ेद मुर्गी की अंडा दे गई भी, हाँ दे गई है। चल छोड़ दे बॉस, छोड़ दे बॉस भाई, मुझे छोड़ नहीं रहा बॉस ने, पता नहीं क्या हो गया मेरे से गलती, किसने मेरे से ना दुश्मनी पाल ली है। और वो देखें कबूतर माशाल्लाह सामने बैठे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। वो चेक करें जी, सारे कबूतर हमारे वहाँ से उड़ के एकदम से वो वहाँ जाके बैठ गए हैं, कैसा ज़बरदस्त सीन है माशाल्लाह। सारे कबूतर वगैरह अपना पूरा हमने ये एरिया जो है ना कवर कर लिया है। चल ठीक है भाई साइड पर जाओ, मुझे बाहर निकलने दे भाई, आपको अंदर वाले जानवर भी आज दिखाए। आज वैसे ही बोरियत सी हुई है बड़ी ना, पता नहीं क्यों धूप निकल रही है, आज दिल कर रहा है बस धूप में आराम से बैठे। चल पीछे हो जाओ, मुझे बाहर जाने थे, दरवाज़ा करते हैं भाई बंद अपना। तो भाई अब जो है ना बाहर वाली मुर्गियों के लिए ज़रा और चूज़ों के लिए थोड़ा आटा ले आए हैं बना के, ये इनको भी ज़रा डालते हैं थोड़ा ना। और अबू उसको ब्राउन वाली मुर्गियों को उठाने लगे हैं क्योंकि वो सुबह की अंडों पे बैठी हुई थी, उसको नहीं अभी तक उठाया था, वो भी बाहर आती है उसको भी डालते हैं। तो इनको थोड़ा पहले ज़रा आटा डाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा ही है, और अभी ब्राउन मुर्गी को भी हमने डालना है। लें जी ब्राउन वाली मुर्गी भी बाहर आ ही गई है जो अंडों पर बैठी हुई थी, इसको भी डालते हैं अब आटा। मुझे चावल डाल दिए इसको, पहले चावल खा ले उसके बाद जो है ना आटा डालेंगे अगर इसका थोड़ा दिल किया तो। मैक्सी के चावल बने हुए थे वो अबू ने ना इसको डाल दिए, खा पी ले उसके बाद पानी शानी पिएगी फिर इसको बिठाते हैं। उतनी देर हम ना ये डालते हैं आटा थोड़ा इनको, उनको भी चावल चावल डाल दिए। कबूतर भी जी इस टाइम आटा खा रहे हैं, कबूतरों को भी आटा डालने लग गया, अब ये भी माशाल्लाह आटा खाते हैं बड़े शौक से, इससे ये भी जो है ना जल्दी जल्दी मोटे हो जाएंगे और अच्छी ग्रोथ करेंगे। वो देखें जी किस तरह वो पागलों की तरह लड़ लड़ के आटा खा रहे हैं आपस में। मुर्गियां नीचे मुंह देख रही होंगी, हमारा आटा उधर चला गया, वो उसको ब्राउन मुर्गी को ज़रा पानी डालूँ क्योंकि पानी काफ़ी नीचे उससे पिया नहीं गया। इसको इसके अंदर निकाल के देता हूँ, जा पानी पी ले। तो ले जी आटा वगैरह खा के चावल चुवल खा के दाना वगैरह खा पी के अब मुर्गी जो है ना पानी पी रही है, अब ये पानी वगैरह पीती है फिर थोड़ी देर ये घूम फिर के ना खुद ही अंदर चली जाएगी अपने ना अंडों पे जाके बैठ जाएगी। अभी पानी पी रही है, पानी पी ले ज़रा। बतखें वगैरह वो काली मुर्गियाँ वगैरह सारी अंदर का दरवाज़ा खोल दिया, सारे बाहर आ गए हैं, चावल वगैरह खा लें क्योंकि इनको अभी ना खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं डाला हुआ था, सारे जानवर वगैरह को ना अभी डाला है। और ये देखें ये चावल गिरे हुए थे, चावल खा रहा है आगे, जितनी देर खाता पीता रहेगा उतनी देर मुझे नहीं काटेगा, मसरूफ़ हो जाता है ना फिर, मसरूफ़ जब होया हो किसी काम में फिर मेरी तरह नहीं आता। साथ साथ इन्होंने पानी पीना है, वो पानी उससे उधर बाल्टी से नहीं पिया जा रहा, ये डब्बा उसको मिल ही गया, वरना मैं इसके आगे करने आ रहा था, मैं इसके आगे रख दूँ डब्बा, वहीं पे रख देते हैं पास इनके। ये लो भाई पीते रहो साथ साथ खाते रहो। वो देखें वो खा रही है साथ साथ जो है ना पानी में, उसने मुँह मारना होता है। बाकी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह फुल टाइम सेटअप पे, जानवर वगैरह बढ़ गए हैं, ये भी हमारा बाहर आ गया बब्बर शेर, वो बब्बर शेर ने जाके उनके चावल खा लेने हैं।
बकरी भी वही भाग के अंदर बाहर आ गई है, इसने भी कहा बाहर पता लग गया है। चावल हालांकि इनको खाने नहीं देते, बकरियों वगैरह को नहीं ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि बीमार हो जाती हैं, मगर अब खा लें थोड़े से हैं, कितने खा लेंगी। बाकी ये चक्कर है जी, माशाल्लाह पूरी बारह च रौनक लगी हुई है, जानवर ही जानवर सारे। ये नहीं खा रहा और मैक्सी बैठी है इनको देख रही है। हाँ मैक्सी, मैक्सी को भी चावल हमने डाले हैं, सारों को आज चावल ही चावल खिलाए हैं मगर खा नहीं रही। हाँ मैक्सी, बकरी ने सुनने इधर आ गई, इधर आ गई, इसने टोकरे वगैरह खराब करने। ओए चल, तो ले जी माशाल्लाह जैसा कि आपको आज के अपने जानवर वगैरह दिखाए, सारा सुबह सुबह दिखाया, दाना वगैरह पानी से इनको ढाला है, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।